सभी भक्तों को सीताराम जय बालाजी महाराज जाए बागेश्वर धाम सरकार। धन लाभ के लिए करें केले के पेड़ के ये पांच उपाय, खुल जाएगा बंद किस्मत का ताला, दूर होगी आर्थिक तंगी। केले के पेड़ में भगवान विष्णु और बृहस्पति देवता का वास होता है, इसकी पूजा करने से धन सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। केले के कुछ उपाय आपका भाग्योदय कर सकते हैं, इन्हें आजमाने से धन लाभ होता है। हिंदू धर्म में केले के पेड़ को बहुत ही महत्व दिया जाता है। मान्यताएं हैं कि इस पेड़ में भगवान विष्णु और बृहस्पति देवता का वास होता है। भगवान विष्णु सृष्टि के संचालक हैं, वहीं बृहस्पति ग्रह से धन और समृद्धि के स्वामी माने जाते हैं। केले के पेड़ को घर में लगाने से बरकत होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। केले के पेड़ से संबंधित कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आजमाने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। बनेगा धन लाभ का योग। केले के पत्तों की माला बनाएं और इससे अपने घर में रखें। हर गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना ना भूलें। ऐसा करने से धन लाभ होता है। दूर होगी नेगेटिव एनर्जी। अपने शयन कक्ष में तांबे के बर्तन में केले का छोटा सा पौधा लगाएं। ऐसा नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और धन समृद्धि आकर्षित होती है। इसे दक्षिण पूर्व कोने में ही रखें। करें केले का दान। केले का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। केले के तने से बनी माला को धारण करें। ऐसा करने से धन लाभ होता है। केले के पेड़ की पूजा। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए केले के पेड़ की पूजा करें। पूजा के दौरान पीले फूल, जल और हल्दी अर्पित करें, साथ ही घी का दीपक जलाएं, श्री गुरुवे नमः का जाप करें। केले के पत्ते वाले पानी से करें स्नान। स्नान करते समय नहाने के पानी में केले के कुछ पत्ते तोड़ कर डाल दें। ऐसा करने से सेहत को भी लाभ होता है और धन लाभ के योग बनते हैं। केले के पेड़ के अजीबोगरीब चमत्कारी फायदे भिखारी को भी बना देते हैं राजा। ज्योतिष शास्त्रों में केले के पेड़ का एक अलग ही खास महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। केले के पेड़ से जुड़े कुछ उपाय करके व्यक्ति हमेशा के लिए धनवान बन जाता है। पढ़िए केले के पेड़ के अचूक टोटके। केले के पेड़ के अजीबोगरीब चमत्कारी फायदे भिखारी को भी बना देते हैं राजा। केले के पेड़ के टोटके। हिंदू धर्म में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका खास महत्व बताया गया है। ये पौधे पूजनीय भी होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन पौधों में तुलसी के पौधे से लेकर पीपल और नीम का पेड़ शामिल है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विशेष पौधे के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं केले के पेड़ के बारे में, जिसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंसानों के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। ज्योतिष शास्त्रों में केले के पेड़ का एक अलग ही खास महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन अगर सही नियम से केले के पेड़ की पूजा के साथ जल अर्पित किया जाए तो भक्तों पर कभी भी किसी प्रकार की कोई संकट नहीं आ सकता है। इसके साथ ही भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। केले के पेड़ में भगवान नारायण के साथ बृहस्पति देव का वास होता है। ऐसा मान्यता है कि केले के जड़ में कुछ उपाय करने से व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही धन की देवी लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा बरसती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। क्या है केले के पेड़ का उपाय? ऐसी मान्यता है कि यदि घर में केले के पेड़ को सही दिशा में लगाया जाए तो व्यक्ति के घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही घर से गरीबी दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगर गुरुवार के दिन केले के पेड़ का पूजन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में आ रही हर तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। केले के पेड़ की जड़ को गंगाजल से धोकर पीले रंग का धागा बांध दे। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि के साथ धन दौलत बनी रहती है।
इस तरह के उपाय गुरुवार के दिन करने से काफी ज्यादा प्रभावशाली होता है।